तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले टॉप AKTU एफिलेटेड कॉलेज जो गाजियाबाद के अंदर है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर है, तो अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके जरूर से देख लेना। तो इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज है वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे होंगे, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या गाजियाबाद हो, लेकिन जो आपको एडमिशन मिल रही होगी वो आपके जेईई मेंस के स्कोर पे ही मिल रही होगी, ठीक है। साथ में UPTSC काउंसलिंग के थ्रू कुछ कुछ कॉलेज में हो सकता है आपको मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन मिल जाए, ताकि आप कॉलेज को जब भी प्रायोरिटी दो। इसमें जितने भी मैंने स्टैट्स बताए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या मैटर करता है, ठीक है, सारे स्टैट्स को देख के आप अपना कॉलेज प्रीफर कर सकते हो। तो देखो अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब ये कॉलेज रैंकिंग वाइज नहीं है, बट इस PDF में आपको जिस तरह से कॉलेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है, वो NIRF रैंक में इस तरह से आपका आता है। बाकी चीज हम वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी फिलहाल इसमें 6 कॉलेजेस ऐसे मिले जहां पे आप प्रायोरिटी दे सकते हो। तो इनमें से आपका जो कॉलेज है KIET, ABS, अजय कुमार गर्ग, राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज और IIMS गाजियाबाद। अब देखो कट ऑफ इसमें ऐड करता तो काफी लंबा PDF हो जाता, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिंक डाल रखा है, यहाँ पे आपको कट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने वो वाला नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाला PDF में भी डाला था, वही सेम चीज इसमें भी मिलेगा, कट ऑफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आप दोनों में से कहीं भी विजिट कर जाओ किसी वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको PDF अच्छे से मिल जाएगा, मतलब कट ऑफ की सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाएगा। अब देखो इन सारे कॉलेजेस में क्या है कि हॉस्टल फीस आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इन 6 में से किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, उसका ट्यूशन फीस अलग है, और इस PDF में जो फीस मेंशन होगा कॉलेज के नीचे वो ट्यूशन फीस होगा। लेकिन अब हॉस्टल फीस का भी एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी प्रायोरिटी है, फर्स्ट सीटर लेना चाहते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीटर, मतलब वो सीटर पे डिपेंड करता है। दूसरा आपका AC है या नॉन AC, ठीक है। तो इस तरह से आपका हॉस्टल फीस डिपेंड करेगा, और वो अप्रॉक्स 4 साल का जो फीस हो सकता है ट्यूशन हॉस्टल का फीस, वो 3 लाख से 6 लाख तक जा सकता है, ठीक है। अब इसमें आपका हॉस्टल प्लस मेस दोनों इंक्लूड होगा। तो यहां तक क्लियर हो गई। नाउ जो हमारा फर्स्ट कॉलेज है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद, ठीक है। अब ये आपका टॉप कॉलेज में आता है, मतलब अभी तक जितने भी मैंने रिव्यू पढ़े इस कॉलेज के, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं सबका प्रायोरिटी यही होता है गाजियाबाद के अंदर कि KIET सबसे बेस्ट कॉलेज है। 1998 में हुआ और यहाँ के सीट इंडेक्स 1400 के आसपास है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर सीट आपको CSE जैसे ब्रांचेस में ही मिलते हैं, और इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो रैंकिंग तो नहीं मिली है, बट NIRF बैंड में इसको 151 से 200 के बीच आता है, ठीक है। बाकी कट ऑफ की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो चेक कर लेना। ट्यूशन फीस 5 से 6 लाख तक जाएगा 4 साल का, हॉस्टल फीस मैंने ऊपर ही बता दिया। स्कॉलरशिप की डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो यहाँ से आप जाके देख लेना। और ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जरूर से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ये वाली PDF भी मिल जाएगी और नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाली PDF भी मिल जाएगी। मीडियम सिटी सी 4.5 LPA की होगी, एवरेज सिटी 7.25 LPA, हाईएस्ट 48.40 LPA की, और जो 22 स्टूडेंट को था प्लेसमेंट मिला था वो 44.14 LPA का था। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। बाकी आप प्लेसमेंट की और भी कई सारे डिटेल्स है कि कितने स्टूडेंट को कितनी पैकेज की जॉब लगी, ठीक है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है, PDF में आप जरूर से देख लेना। बाकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे भी आपको मिल रहे होंगे, तो और डिटेल में अगर आपको जानना है, ठीक है, कौन कौन से ब्रांचेस की कैसे प्लेसमेंट थी, तो वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ की प्लेस्ड परसेंटेज 80% के राउंड है, ग्रेजुएटिंग रेट 94% के राउंड है, ठीक है, तो काफी अच्छा परसेंटेज है। नाउ सेकंड कॉलेज ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, इसकी एस्टैब्लिश 1999 में हुई और यहाँ की सीट इनटेक 1300 से 1400 के बीच है। ट्यूशन फीस 1.3 लाख पर एनम जाने वाला है, ये आपका शायद स्कॉलरशिप का PDF मेंशन है, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। मीडियम सिटी सी 5 से 6 LPA की है, एवरेज 6 LPA की है, हाईएस्ट 50 LPA की गई थी, और यहाँ पे आपको बाकी प्लेसमेंट की डिटेल्स है ब्रांच वाइज, ठीक है, तो ये भी आप जरूर से चेक कर लेना पूरे डिटेल में। बाकी है कि प्लेस्ड परसेंटेज 85 से 90% के राउंड, ग्रेजुएटिंग रेट 82% है। तो अब देखो प्लेस्ड परसेंटेज आपको यहाँ मतलब KIET से अच्छा दिख रहा होगा, ये चीज देखो कि यहाँ के ग्रेजुएटिंग रेट 82% ही है, मतलब 80 से 85% के बीच रहती है, ठीक है। अब इन जो ग्रेजुएटिंग रेट है उनका ये प्लेसमेंट परसेंटेज है, ठीक है, तो समझ समझना जितना सीट इनटेक है उसके अकॉर्डिंग है। नाउ थर्ड कॉलेज है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, ठीक है, एस्टैब्लिश 1998, सीट इनटेक 1320 के आसपास है, ठीक है। ट्यूशन फीस 1.41 LPA का है, मीडियम सिटी सी 4.5 LPA, एवरेज सिटी सी 5.13 LPA, हाईएस्ट सिटी सी जो गई थी 1.13 करोड़ की गई थी 2022 में, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट के और भी कई सारे डिटेल्स है, कितने स्टूडेंट को कितनी ऊपर की पैकेज लगी, ठीक है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, जरूर से देख लेना। प्लेस परसेंटेज 84% है और ग्रेजुएटिंग रेट 90% के आसपास है। नाउ फोर्थ कॉलेज राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, जो 2000 में स्टेब्लिश हुआ, सीट इनटेक 900 से 1000 के बीच है, ट्यूशन फीस 1.35 लाख पर एनम की जारी होगी, और मीडियम सिटी 3 LPA की, एवरेज सिटी 3 से 4 LPA के बीच की होगी। तो ये हाफ पिक के बाद जितने भी कॉलेज है वहाँ की प्लेसमेंट थोड़ी लो होते जाएगी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे डिटेल्स है प्लेसमेंट समरी 2022 का, तो अब जाके चेक कर लेना। प्लेस्ड परसेंटेज 55% से 80% के बीच है, ग्रेजुएटिंग रेट 70% से 75% के बीच है, मतलब जितने लोग ग्रेजुएट होते हैं उसका प्लेसमेंट परसेंटेज है ये, ठीक है। नाउ फिफ्थ कॉलेज इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, ठीक है। अब ये 2000 में स्टैब्लिश हुआ, सीट इनटेक 900 के आसपास है, और यहाँ की जो ट्यूशन फीस है अप्रॉक्स 5 लाख की जाएगी 4 साल की फीस,
ठीक है। और यहाँ पे आपको फीस की थोड़ी और डिटेल में यहाँ पे चीजें मेंशन है, तो यहाँ पे आप जाके देख लेना, पीडीएफ के अंदर है। मीडियम सिटी सी 4 एलपीए की होगी, एवरेज सिटी सी 3 से 5 एलपीए के बीच की होगी, हाईएस्ट सिटी सी 36.50 एलपीए की ऑफर करी गई थी। बाकी प्लेसमेंट की और भी कई सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन है, तो आप इस पीडीएफ से थ्रू लिंक पे आप क्लिक करना, हम जाके देख लोगे। प्लेस्ड परसेंटेज 88% का, जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं उसका परसेंटेज है। ग्रेजुएटिंग रेट 65% से 80% के बीच ही है, ठीक है। इस लिस्ट का जो लास्ट कॉलेज है वो है आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, जो 1990 में एस्टैब्लिश हुआ। सीट इनटेक 690 है, तो मतलब इसमें जितने भी कॉलेजेस लिस्ट के अंदर सबसे सीट इनटेक कम यहीं पे है। ट्यूशन फीस यहाँ की 5.2 लाख की है, जो आपकी टोटल 4 साल की फीस होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, तो आप यहाँ से भी जाके देख लेना। मीडियम सिटी सी 4 एलपीए की होगी, एवरेज सिटी सी 4 से 6 एलपीए के बीच की, हाईएस्ट सिटी सी 46 एलपीए की ऑफर करी गई थी। बाकी प्लेसमेंट की और भी कई सारे रिकॉर्ड है, यहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। प्लेस परसेंटेज 57% से 80% के बीच ही है, और ग्रेजुएटिंग रेट यहाँ की 77% से 98% के बीच है। अब देखो यहाँ की जो मेंशन है ना स्टैट्स, वो लास्ट 3 ईयर पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें जितने भी आपके ग्रेजुएटिंग रेट है, प्लेसमेंट परसेंट है, जितने भी कॉलेज के मेंशन है, वो लास्ट 3 ईयर स्टैट्स के बेस्ड है। इसीलिए कहीं पे आपको ज्यादा दिख रहा है, कहीं पे आपको कम दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो लास्ट के ईयर में प्लेस्ड परसेंटेज काफी कम गई थी, और वहीं पे यहाँ की ग्रेजुएटिंग रेट भी काफी कम गई थी, लेकिन अभी यहाँ की प्लेस्ड परसेंटेज और ग्रेजुएटिंग रेट थोड़ी सी सुधार हुई है, ठीक है, क्योंकि आपके ये स्टैट्स हर साल चेंज होते हैं। अब देखो इन सारे कॉलेजेस में आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट का प्रायोरिटी होता है ना कि कौन कौन सा कॉलेज हम चूज करें, ठीक है, तो आपको इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट जो चूज करते हैं या तो KIET करते हैं या ABS करते हैं या राजकुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज करते हैं, ठीक है। यही 3 कॉलेज स्टूडेंट ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ की भले प्लेसमेंट आपको उतनी अच्छी नहीं दिख रही, मीडियम सिटी से 10 LPA की है, 12 LPA की है, वैसे नहीं दिख रही है, बट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कैंपस लाइफ आपकी काफी अच्छी होगी, वो चीज यहाँ पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको यहाँ पे लोकेशन परफेक्ट मिल रहा है, गाजियाबाद है, जो आपके दिल्ली के आसपास ही है, ठीक है, तो उस चीज का फायदा मिल रहा होगा, लेकिन आपको कैंपस लाइफ नहीं मिल रहा होगा। वो चीज है यहाँ पे कि कुछ आपको प्रॉस भी मिल रहे हैं, कुछ कॉन्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। अब इन सारे कॉलेज की आप IIT जैसे एक्सपेक्ट करोगे या NIT जैसे, तो वो चीज तो यहाँ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की फीस भी आपको एक ठीक ठाक सी लग रही होती है। ट्यूशन फीस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 या 4 लाख ऐसे फीस जा रहे होंगे। आई थिंक इतना फीस में आपकी अगर ये 3 कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बाकी आपका हॉस्टल फीस मिला के फिर अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतनी फीस आपको पे करने के बावजूद भी आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, यही सबसे बड़ी बात होती है। बाकी वो तो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप में से ही कुछ बच्चे होंगे जो हाईएस्ट पैकेज लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे कुछ टॉप कॉलेजेस गाजियाबाद के अंदर जो AKTU से एफिलिएटेड है और आपको UPTSC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। बाकी कट ऑफ की आपको डिटेल्स वही लिंक के थ्रू आप चले जाना, वहां पे आपको पूरी दिख जाएगी। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में भी हमें सजेस्ट कर सकते हो।